नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही सलामत होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जो है आधार कार्ड से पैसा निकालना चाहते हैं किसी भी बैंक का, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप आधार कार्ड से जो है आप पैसा मिनटों में कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और इस तरह का आपके पास कोई भी आपका जो है एक डिवाइस होना चाहिए, जैसे सिक्योजन डिवाइस है ये होना चाहिए, मॉर्फो होना चाहिए, मंत्रा का कोई भी एक डिवाइस होना चाहिए, और आपके जो मोबाइल में है जो इस तरह का आपका ओटीजी लगता है वो आपको ओटीजी होना चाहिए। आप जो मोबाइल है उसका ओटीजी आप ले सकते हैं। जैसे हमारा 3500 का है तो हमने इसका 3500 का ओटीजी लगाया हुआ है, और इस तरह का आप एक मोबाइल होना चाहिए जो आपका जो है कोई भी एप्लीकेशन जो है सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों, एक ऐसी तरह का आईडी आपको होना चाहिए, जैसे हमारे पास स्पाइस मनी का है तो स्पाइस मनी का हो तो और अच्छा है, नहीं तो एयरटेल पेमेंट बैंक है तो उससे भी आप पैसा निकाल सकते हैं। तो आपको सिंपली स्पाइस मनी पे आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसको क्या है, इसका आपको आरडी सर्विस हम दिखा देते हैं। आप यहाँ पे जो भी डिवाइस चलाइएगा तो देखिए यहाँ पे उसका आरडी सर्विस हमने यहाँ पे मॉर्फो का है तो मॉर्फो का इंस्टॉल कर रखा है, और मंत्रा का है तो मंत्रा का आरडी सर्विस हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। तो आप जो भी जिसका भी डिवाइस लीजिएगा तो आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है सिंपली। और दोस्तों, अब एप्लीकेशन की बात करें तो आपके पास कोई भी एक एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे हमारे पास अभी स्पाइस मनी है या एयरटेल मित्रा ऐप का जो है एयरटेल पेमेंट बैंक है उससे भी आप जो है पैसा निकाल सकते हैं, या कोई भी अदर जो है कंपनी है उससे आप पैसा निकाल सकते हैं। तो अभी स्पाइस मनी से हम दिखाएंगे कि स्पाइस मनी से आप पैसा जो है कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम देखिए यहाँ पे स्पाइस मनी पे लॉगिन कर सके हैं। देखिए हमारा वॉलेट में इतना पैसा है, और यहाँ से हम रिचार्ज भी कर सकते हैं, पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं या बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आप पैसा निकाल कैसे सकते हैं कोई भी आधार कार्ड से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम APS विड्रॉल पर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे देखिए हमारा तीनों आ गया है, विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस इंक्वायरी, जो भी है वो सब हमारा जो आ गया है। और यहाँ पे व्यू ऑल बैंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका जितना भी आपका इसमें बैंक होगा वो आपको यहाँ पे बैंक का नाम बता देगा। आप सब बैंक का ये पैसा आराम से निकाल सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं या बैलेंस इंक्वायरी जो है कर सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कि आप कैसे पैसे को निकाल सकते हैं किसी भी बैंक के आधार कार्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने बैंक भी चूज कर रखा है, आधार कार्ड भी डाल दिया है, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पे आपका जो है अमाउंट डालना है। तो आप इसमें से कोई भी अमाउंट जितना भी है 100 रुपये से लेकर 10,000 तक आप पैसा निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है डिवाइस को चुन लेना है कि आप कौन सा डिवाइस चलाते हैं। तो हमने यहाँ पे मंत्रा चुन रखा है, और यहाँ पे आपको क्या करें, सिंपली स्कैन फिंगर पे आपको क्लिक कर देना है, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो अगर डिवाइस रेडी होगा तो ऑटोमेटिक जो है फेच कर लेगा, और जो हाँ आपका जो है ये आप जो भी डिवाइस लिए होंगे उसका जो है फिंगर आपको दिखा देगा, और जो है लाइट आपका जल जाएगा। तो आपको सिंपली आपको स्कैन पे आपको क्लिक कर देना है, और कस्टमर का उंगली जो है बायोमेट्रिक्स पे रखा देना है। जैसे ही आपका फिंगर कैप्चर कर लेगा तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में कंप्लीट हो जाएगा, और जो है आपका बैंक के खाते से पैसा कट के स्पाइस मनी के जो आप इसमें से ऐप चलाएंगे उस पर आपका जो है पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस जो है यहाँ पे उठ गया है 100 रुपये। तो इसी तरह से आप जो है बैलेंस विड्रॉल अगेन कर सकते हैं, 100 रुपये से लेकर 10,000 तक आप विड्रॉल कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का। इसी तरह से आप मिनी बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।